ओके सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं, अपना रीडिंग इनपुट वगैरह कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे एक नया कंडीशनल स्टेटमेंट जिसका नाम है स्विच केस। ओके तो स्विच केस का यूज करने के लिए मेरे पास क्या होता है कि एक वेरिएबल को मैं मल्टीपल टाइम्स चेक कर सकता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स अगेन, हम लोग स्विच केस का यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, vim9 अंडरस्कोर स्विच अंडरस्कोर केस डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली लाइन हम क्या लिखते हैं, कमेंट के लिए। ठीक है, तो हम कौन कौन से कीवर्ड यूज करने वाले हैं, स्विच केस ब्रेक एंड डिफॉल्ट। ओके, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली लाइन क्या होती है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h। हैश इंक्लूड stdio डॉट h इसलिए लिखते हैं क्योंकि stdio डॉट h के अंदर मेरा printf और scanf फंक्शन अवेलेबल है। अब मेरा एंट्री पॉइंट जो होता है सी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज मेन। ओके, और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले देखो, अभी मैं जितने भी बार टैब प्रेस कर रहा हूँ तो हमेशा कितनी लाइन का स्पेस ले रहा है, वो 8 लाइन का स्पेस। वो मुझे कन्वर्ट करना है 4 लाइन के स्पेस में, तो मैं कमांड मोड में जाऊंगा सबसे पहले एस्केप दबा के, और उसके बाद यहाँ पर सेट करूंगा टैब स्टॉप इक्वल्स टू 4। जैसे मैंने ये सेट किया, अब इंसर्ट मोड में जब भी मैं टैब प्रेस करूंगा तो वहाँ पर सिर्फ 4 स्पेस का टैब आएगा। इंटीजर नम इक्वल्स टू, लेट से मैंने 1 दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरी ऐसी एक कंडीशन है कि मैं जब भी सिंगल डिजिट नंबर प्रेस करूंगा तो उसने मुझे वो वर्ड में आउटपुट देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सबसे पहले तो प्रिंट एफ, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट करेंगे उससे, यूजर से मैसेज। ठीक है, एंटर अ नंबर। ओके, जैसे यूजर ने एंटर किया वो नंबर, तो वो स्कैन एफ का यूज करके कहाँ पर चले जाना चाहिए, वो चले जाना चाहिए नम के एड्रेस पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, वो चेक करना है जो भी इनपुट नंबर है क्या वो इक्वल्स टू 1 है। अगर 1 है तो प्रिंट क्या करो, वो 1 इन डिजिट। ओके, और अगर नम इक्वल्स टू 2 है तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट 2 इन वर्ड्स। ओके, और इसके बाद एक नॉर्मली प्रिंट एफ दे देते हैं और बैक स्लैश एन, हर जगह स्लैश एन लिखने की जगह हम लास्ट में स्लैश एन यूज करेंगे। ठीक है, एस्केप कोलन W एंड कंट्रोल Z जब प्रेस करूंगा तो वो जॉब्स में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, मुझे अभी ये फाइल कंपाइल करनी है, तो किस कंपाइलर का यूज करेंगे हम, GCC कंपाइलर का। 9 प्रेस करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, तो 9 नाम से एक ही फाइल है हमारे पास। और अगर रन करना है तो /a.out से आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, वो नंबर पूछ रहा है मुझे, मैंने अगर दिया 1 तो बराबर 1 आउटपुट दे रहा है वो, मैंने अगर इनपुट दिया 2 तो वो 2 आउटपुट प्रिंट कर रहा है, अगर मैंने कुछ और आउटपुट दिया तो वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इस चीज को अभी मुझे रिप्लेस करना है किससे, इस चीज को रिप्लेस करना है स्विच केस से, क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, जब आपके पास सिंगल वेरिएबल की वैल्यू जब आपको कंपेयर करनी है तभी स्विच केस यूज करना है, आप मल्टीपल वैल्यूज इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये 4-5 लाइन का कोड है ये मुझे कमेंट करना है। तो VI एडिटर में क्या करना पड़ेगा, जहाँ से जहाँ तक कोड कमेंट करना है, सो कंट्रोल V प्रेस करूँगा फिर विजुअल ब्लॉक के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो विजुअल ब्लॉक लिख के आया, और कहाँ से कहाँ तक मुझे 4 लाइन ये कमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और I प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मोड में चले जाऊँगा, एंड देन जैसे मैंने कमेंट करने के लिए डबल स्लैश प्रेस किया तो 2 बार उसके बाद एस्केप दबाना है, तो जो भी विजुअल ब्लॉक हमने जब भी सिलेक्ट किया था वहाँ पे वो अवेलेबल कमेंट कर देगा। ठीक है, वो रिपीट कर देगा वो वाली लाइन से। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या यूज करना था, स्विच। ठीक है, SWITCH, और यहाँ पर मुझे नम वैल्यू कंपेयर करनी है मल्टीपल वैल्यूज के साथ, नम वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि केस 1 है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, उसने प्रिंट एफ करना चाहिए 1 ही 1। ओके, अगर मेरा केस 2 है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, TWO inwards। ठीक है, और अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ एस्केप कोलन W और कंपाइल करते हैं, सबसे पहले नो एरर,
जैसे रन करता हूँ, लेट्स से वन, बट ये वन और टू दोनों भी प्रिंट कर रहा है विच इज रॉन्ग, तो हमें क्या करना है यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड वो क्या करेगा, यहाँ से स्विच को ही ब्रेक कर देगा, ठीक है, स्विच का जो कंडीशनल ब्लॉक है उसको ब्रेक कर देगा, वैसे ही टू के बाद भी मुझे ब्रेक करना है, ठीक है। ये मैंने दोनों जगह ब्रेक लिख दिया, अभी चेक करते हैं, कंपाइल रन, एंड जैसे मैं वन देता हूँ तो वन प्रिंट हो गया, फिर से रन करता हूँ टू एंटर किया तो टू प्रिंट हो गया, ठीक है। बट लेट से मैंने कोई और नंबर डाला तो वो कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यूज़र को एक मीनिंगफुल मैसेज देना है तो मैं स्विच केस के साथ ही और क्या यूज़ कर सकता हूँ, डिफॉल्ट, मतलब अगर इनपुट अगर किसी भी केस से मैच नहीं हुआ मेरा, वो वेरिएबल किसी भी केस से कंपेयर करने पर ट्रू नहीं आया तो डिफॉल्ट वाला ऑलवेज रन होगा, तो वहाँ पर मैं मीनिंगफुल मैसेज दे देता हूँ कि इनवैलिड, ओके, कोलन डब्ल्यू, यहाँ पर आने के बाद कंपाइल एंड देन रन, मैंने वन दिया करेक्ट, मैंने टू दिया करेक्ट, एंड जब मैं उसके अलावा कोई नंबर डालता हूँ तो इनवैलिड एंट्री इट इज गिविंग मी आउट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज स्विच केस इन योर कोड, ओके। और इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है स्विच केस के अंदर ही, कि कैरेक्टर को कैसे कंपेयर किया जाए या फिर मल्टीपल केसेस को मैं एक साथ कैसे क्या एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में।